क्लास आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल यह अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल में वी आर सीइंग सेशन नंबर 7 और आज का टॉपिक है सैम्पल प्रोग्राम्स सो प्रीवियस सेशन में क्या सब देखा था हम लोगों ने वी हैव सीन अबाउट हाउ टू फॉर्मेट अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है यस चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट सो क्या करने वाले हैं आज वो फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम लोग थोड़ा वेब पेजेस क्रिएट करेंगे एज इट इज गिवन फॉर अस हम लोगों को जैसे वेब पेज दिया गया है इन द क्वेश्चन वैसे ही हम लोग वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं right? so, चलो सेशन के अंदर देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ वेब पेजेस गिवन फॉर अस सो फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले द फॉलोइंग कंटेंट ऑन द वेब पेज कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करना है टाइटल ऑफ द वेपर जो लोगों ने दिया है दट इज कार्स कार बेस्ट दे आर वे टू एक्सपेंसिव बट स्टिल सो यह तो सिर्फ सेंटेंस है टाइप कर सकते हैं मगर देखो इसमें कितना सारा फोमैटिंग ऑप्शन है दी कार्स आर द बेस्ट सो द बेस्ट इज बोल्ड ओके

सो चलो सेशन के अंदर पहले इसे करते हैं ओके सो वी हैव अ पैड हियर ओके ये जो नोटपैड है इसमें सो हम लोगों ने क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम कंटेंट एस इन द क्वेश्चन। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ हाउ शुड यू स्टार्ट हमें तो हेचटीएमएल टाइप करना पड़ेगा सो एच टी एम टैग एंड एंड एच एम टैग दोनों स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों टाइप करने के बाद उसके बीच में से हमें टाइपिंग शुरू करना पड़ेगा सो ऑलरेडी द टाइटल ऑफ द कार्स आई एम सॉरी टाइटल ऑफ द वेब पेज इज गिवन टू अस क्या है वो द कार्स का टाइटल ऑफ द वेब पेज इज कार्स सो टाइटल क्या लिखना पड़ेगा हमें हेड पे स्टार्ट करो हेड और उसके अंदर टाइटल ओके okay? ये क्या करना पड़ेगा टाइटल इज कार्स सो वी आर गोइंग टू राइट कार्स ओके सो अभी टाइटल को क्लोज करो एंड टैग ऑफ द टाइटल और उसके बाद क्या एंड करना है वेरी गुड हेड टैग को एंड करना है और राइट सर नाउ वी आर गोइन स्टार्ट विद बॉडी ऑफ द वेब पेज सो इस बॉडी में हमें टेक्स्ट दिया गया है दीज कार्स आर द बेस्ट सो एक काम करते हैं लेट्स टाइप द एंटायर थिंग एंड देन इन सर्ट टैक्स ओके दीज कार्स आर द बेस्ट ओके एक ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है दे आर वे टू एक्सपेंसिव दे आर वे टू एक्सपेंसिव वापस ब्रेक करो ऑर सो थर्ड स्टेटमेंट बट स्टिल दे आर ब्यूटिफुल सो इट्स नॉट द ब्रेक स्टेटमेंट कमा बट स्टिल दे आर ब्यूटिफुल ओके सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द वेब पेज ये तो हमें पता है

बोल्ड ओके सो नेक्स्ट वे देर वे टू एक्सपेंसिव ये जो वे टू एक्सपेंसिव है कैसा किया गया है कौन सा टैग है वो याद करके बताओ मुझे वॉट टैग इज दिस वे टू एक्सपेंसिव यस मार्क टैग सो यहां पे मार्क वे टू एक्सपेंसिव के बाद उसे हैंड करना पड़ेगा सो मार्क टैग ओके और उसके बाद बट स्टिल दे आर ब्यूटिफुल सो ये दे आर ब्यूटिफुल कैसे करेंगे इटैलिक so, देखते ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टैग यूज करना है इसमें और राइट सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई आउटपुट को देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा टैग का आउटपुट है वो ओनली देन इट विल हेल्पफुल फॉर अस ओके अभी ये तो इट इज डन सो हम क्या कर सकते हैं हम लोगों ने बॉडी टैग क्लोज ही नहीं किया है सो बॉडी एंड टैग उसके बाद फाइल जाके सेव एस ये क्या है दिस इज कार्स कार्स डॉट हेच टी एम एल से ओके सो अभी ये मिनिमाइज कर देते हैं and there is one HTML file here named cars. so अभी उसे double click करने वाले। yes, the car, these cars are the best, perfect array. they are way too expensive, but still they are beautiful. यही है ना जो content हम लोगों ने देखा था? yes, हम लोगों ने यही देखा था इसमें भी। देखो, you will know the difference. these cars are the best. they are way too expensive, but still they are beautiful. so it is looking the same way as it has to be. alright. so yes. so let's see the next program. so program two. create a web page to display the following content on the web page. title of the web page. rivers. rivers are the main sources of water for landlocked cities we need to protect them we are going on a rally on the 23rd of this month please join us so ye hai content so what is the content title of the web page is going to be reverse or ye content jo hai content mein bahut formatting options have wo bhi hum aaj wale hain all right so to start off with we should create a new notepad ka file so let's create a new notepad file सो so, फाइल में जाके न्यू अभी एच का स्टार्ट हो रहा है सो यू स्टार्ट एच टी एम एल एंडी एम एल ओके उसके बीच में कोडिंग लिख सकते हो सो नाउ यू स्टार्ट विथ हेड हेड टैग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा टाइटल टैग टाइटल में क्या लिखना है वॉट इज द टाइटल रिवर्स सो एंड टाइटल ओके स्टार्ट टाइटल एंड टाइटल किया है हम लोगों ने अभी एंड हेड टैग ओके इसके बाद बॉडी टैग और इसमें क्या लिखने वाले हैं रिवर्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर लैंडलॉक सिटीज सो रिवर्स आर द मेन sources of water for landlocked cities okay dusra sentence hai. we need to protect them we need to protect them we are going on a rally on the 23rd of this month we are going on the rally on a rally on the 23rd of this month okay so the next sentence is please join us please join us all right सो अभी स्टार्टिंग से हम लोग ब्रेक टैग यूज कर देते हैं बिकॉज वी वॉन्ट ऑल ऑफ देम इन सेपरेट सेपरेट लाइन्स सो ब्रेक और वापस कम डाउन यहां पे भी ब्रेक ओके एंड अगेन ब्रेक यहां पर कोई जरूरत नहीं होगी बिकॉज दिस इज डन सो अभी एंड बॉडी टैग और राइट दिस क्लियर सो अभी क्या क्या फॉर्मैटिंग करना है वो हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्मैटिंग मेन सोर्सिस को बोल्ड करना है सो दिस वि बोल्ड सो स्लैश बी बिकॉज यू आर एंडिंग द टैग लैंड लॉकड इटैलिक करना है सो so, इटैलिक इसके बाद एंड इटैलिक Okay, we need to protect them. jo protect them hai we are using kya tag hai Mark tag, which we wanted to be highlighted. So mark tag, mark and tag dono use karenge उसके बाद we are going on a rally on the twenty third. ये bold भी होना चाहिए, superscript भी होना चाहिए। So twenty third को bold करो पहले। सुपरस्क्रिप्ट है ना बिकॉज इट इज ऑन टॉप सुपरस्क्रिप्ट यहां से सुपरस्क्रिप्ट एंड हो जाएगा और देन बोल्ड एंड होगा वाई आर वी राइटिंग द बोल्ड हियर एंड देन ओनली हियर वाई नॉट हियर क्योंकि ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी थ्री और आर डी दोनों हमें बोल्ड चाहिए सो ओनली वेन यू कवर इट एंटायरली यू विल बी एबल टू गेट द बोल्ड वन और राइट उतना ही है ना यस yes. राइट so सो right. so, अभी क्या करेंगे सेवैस क्या लिखेंगे रिवर्स डॉट एच टी एम एल कभी मत भूलना है आपको जो फाइल सेव कर रहे हो एच टी एम एल फाइल के लिए आपको ये डॉट एच टी एम एल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं तो फाइल तो एच टी एम एल के फॉर्मेट में नहीं सेव होगा और राइट सो अभी सेव करो लेट्स रन इट So, यहां पे है रिवर्स डबल क्लिकिंग ऑन इट यहां पे आपको टाइटल में रिवर्स दिख रहा है रिवर्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर लैंडलॉक सिटीज वी नीड टू प्रोटेक्ट वी आर गोइंग ऑन ऑन द ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिस मंथ प्लीज ज्वाइन एस ठीक है ना यस इट इज परफेक्ट सो ऐसे ही हमें आउटपुट देखे ही फॉर्मेटिंग का ऑप्शन करना पड़ेगा आपको ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और राइट right? सो प्लीज प्रैक्टिस दीज से होम एंड इफ यू हैव एनी डाउट टेक्स मी थ्रू द एप में आके आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर देती हूँ और राइट सो मीट यून द नेक्स्ट सेशन एंड बाय बाय